बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाय अल्पाइन एकेडमी, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट, सिंटेक्स बुक बोर्ड जामशोरो। बायोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 में आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ये दो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स हैं, एक को हीमोग्लोबिन कहा जाता है और दूसरे को मायोग्लोबिन कहा जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इज अ रिस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है और ये आयरन पर मुश्तमिल होता है और ये जो है रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं या रेड ब्लड कॉर्पसल जो मौजूद होते हैं वर्टिब्रेट्स में, उनमें ये मौजूद होता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज फोर आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स कॉल्ड हीमी। और हर हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसमें फोर आयरन कंटेनिंग ग्रुप शामिल होते हैं जिनको हेमी कहा जाता है। यानी हर हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसमें चार जो है आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स होंगे जिनको हेमी कहा जाता है। इट इज द आयरन विच रिवर्सिबली बाइंड विद ऑक्सीजन। यानी तमाम ऑक्सीजन जो है वो जाके आयरन के साथ बाउंड होंगे, यानी वो आयरन के साथ जाके अटैच्ड होंगे। नियरली ऑल ऑक्सीजन कैरीड बाय ब्लड इज बाउंड टू HB। तो इसका मतलब यही है कि जितने भी जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के एटम जितने भी जो हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ ही क्या होंगे, ये ब्लड में शामिल होते हैं। यानी ब्लड में मौजूद जितने भी ऑक्सीजन की जो जितनी भी कंसनट्रेशन होती है वो हीमोग्लोबिन से ही बाउंडेड होते हैं। दस ड्यू टू हीमोग्लोबिन ब्लड कुड कैरी 70 टाइम मोर ऑक्सीजन देन प्लाज्मा। तो हीमोग्लोबिन जो है या फिर ब्लड जो है वो 70% ये 70 टाइम जो है ऑक्सीजन ये ज़्यादा कैरी करता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। So it plays an important role in maintaining a high concentration gradient of oxygen from air to blood. तो ये जो है ये हीमोग्लोबिन जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो है, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जो है, हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ऑक्सीजन की, उसको ये मेनटेन रखता है। कहाँ से? उसके एयर से ब्लड में। यानी ब्लड में जो ऑक्सीजन की जितनी मकदार इसको चाहिए होती है उसको मेनटेन रखना जो है वो हीमोग्लोबिन का काम होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है यही वो प्रोटीन है जो आयरन पर मुश्तमिल होता है और ये ब्लड में मौजूद होता है, ब्लड के रेड ब्लड कॉर्पसल्स में ये मौजूद होता है, RBCs में, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है एनवायरनमेंट में से। हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लूज कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड होते हैं तो इसके नतीजे में बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो लूज कंपाउंड होता है, और इस ऑक्सीजन कंटेनिंग जो हीमोग्लोबिन है इसको ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहा जाता है। इट इज कैरीड टू द टिश्यूज वेयर ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट रिलीजिंग ऑक्सीजन विच इंटर्स इन टिश्यूज। जब ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है टिश्यूज तक पहुँच जाता है तो जहाँ पे टिश्यूज में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है डिसोसिएट हो जाता है और वहाँ पे अपने ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, जिसके नतीजे में टिश्यूज में ऑक्सीजन इंटर हो जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। द होल प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के चार एटम्स मौजूद हैं और फिर ये जाके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन आके बाइंड होते हैं तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाता है, और ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन में तब्दील हो सकता है और ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है वो फिर हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो सकता है। सेकेंड जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट है वो है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन अ स्मॉलर प्रोटीन देन हीमोग्लोबिन फाउंड इन मसल्स कैन बाइंड टू ऑक्सीजन मोर टाइटली देन हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की प्रोटीन है हीमोग्लोबिन की तरह, लेकिन ये प्रोटीन से स्मॉल ये हीमोग्लोबिन से स्मॉल होते हैं और ये हमारे मसल्स में पाए जाते हैं
और इनके साथ भी ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है जिस तरह हीमोग्लोबिन में होता था, लेकिन हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन बाइंड होते थे वो लूज बाइंड होते थे, वहाँ पे लूजली वहाँ पे वो अटैच होते थे, लेकिन जो मायोग्लोबिन है इनमें ऑक्सीजन टाइटली बाइंड होते हैं। इट गिव्स रेड कलर टू मसल्स। अब जो मायोग्लोबिन है इनकी वजह से मसल्स जो है वो रेड नज़र आते हैं, यानी ये मसल्स को रेड कलर देता है, जबकि जो हीमोग्लोबिन था वो क्या करता था, जो हमारा ब्लड था उसको रेड कलर देता था। हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पार्शियल 35% ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वेलर ब्लड कैपिलरीज इन एल्वेलाई। जो हीमोग्लोबिन है इसका ये भी रोल होता है कि ये पार्शियली इन्वॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में, टिश्यूज से जो ब्लड कैपिलरीज होती है, एल्वेलर ब्लड कैपिलरीज जो एल्वेलाई में होती हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन में ये काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड की, और ये पार्शियली वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, यानी ये 35% तक वहाँ पे ये अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है शो कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू इट्स हायर कंसंट्रेशन इन टिश्यूज डिफ्यूज आउट इनटू द ब्लड वेयर इट कंबाइन विद एमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल कॉल्ड कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपनी हाई कंसंट्रेशन की वजह से ये टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाता है ब्लड से निकल के, और ये फिर कंबाइन हो जाता है एमाइनो ग्रुप के साथ, जो हीमोग्लोबिन का एमाइनो ग्रुप है उनके साथ क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होने के नतीजे में एक और जो मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा, और उस मॉलिक्यूल का नाम है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। यानी नाम से ही जाहिर हो रहा है, कार्ब मीन्स इसमें कार्बन मौजूद है, एमाइनो मीन्स इसमें एमाइनो ग्रुप मौजूद है, और हीमोग्लोबिन तो ऑलरेडी इनमें है ही है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा एमाइनो ग्रुप और हीमोग्लोबिन के नतीजे में बनने वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसको कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इन एल्वेलाई इट ब्रेक्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट इनटू एल्वेलाई। एल्वेलाई में अब क्या होगा, जो कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के नतीजे में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा एल्वेलाई में। रेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर ऑफ प्लाज्मा एंड आल्सो बाय द वाटर ऑफ आरबीसी। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाकी वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वाटर के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और कुछ वाटर जो है वहां से RBCs के साथ वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। वाटर ऑफ RBCs ट्रांसपोर्ट 60% कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ऑफ प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट 5% कार्बन डाइऑक्साइड। RBCs के साथ 60% कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और प्लाज्मा के वाटर के साथ 5% कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। These reactions are facilitated by enzymes called carbonic anhydrase present in RBCs. ये reaction जो है एक enzyme की मौजूदगी में होगा, उस enzyme का नाम anhydrase, carbonic anhydrase है, और ये enzyme जो है RBCs में मौजूद होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से RBCs के water के साथ जो है 60% carbon dioxide जो है वो transport होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलेगा, मिलने के बाद जो है वो H2CO3 बनाएगा। इसी तरह से जो है इसका दूसरा जो स्टेप है वो H2CO3 जो है इससे एक H जो है यहाँ से निकल जाएगा, निकलने के नतीजे में ये HCO3 बनेगा, और HCO3 जो है जब मिलता है किसी पोटेशियम के साथ तो पोटेशियम के साथ ये मिल के बनाएगा KHCO3। और जब वाटर जो है प्लाज्मा का हो और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब ये ट्रांसपोर्ट होता है तो वो 5% होता है, तो इसके नतीजे में जो होने वाला रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के वाटर के साथ मिलेगा और H2CO3 बनेगा। यानी जिस तरह पहले बना था कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता था RBCs के वाटर के साथ, तो बिल्कुल यही प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप भी बिल्कुल सेम है यहाँ पे भी। फिर इसके नतीजे में क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है H2CO3 से निकल जाएगा, निकलने के नतीजे में H2CO3 जो है वो HCO3 बनेगा। फिर HCO3 जो है अगर किसी सोडियम के साथ मिलता है तो वहाँ पे ये NaHCO3 बनाएगा।
और ये स्पोरा रिएक्शन जो है ये एक एंजाइम की मौजूदगी में होता है, जिस एंजाइम का नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। और ये एंजाइम जो है प्रेजेंट होता है आरबीसीज में। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03183188660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9231831860, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।